इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए। और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए ऐ मेरे वतन के लोगों। बॉलीवुड में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी वजह स्वर कोकिला लता मंगेशकर का यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाना है। स्वर कोकिला के निधन से आम हो या फिर खास, हर किसी की आंख नम है। 27 दिनों से थी अस्पताल में भर्ती भारत रत्न लता मंगेशकर। लता मंगेशकर बीते 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोविड संक्रमित होने के बाद से भर्ती थी। लता जी लगातार आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में थी। हालांकि उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था, यहां तक कि उन्हें वेंटिलेटर पर कुछ दिनों के लिए रखा गया था और फिर बाद में वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। लेकिन अचानक तबीयत फिर बिगड़ी और वेंटिलेटर पर दोबारा रखा गया। लेकिन अचानक आज उनके निधन की खबर आई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इलाज में जुटी थी 5 डॉक्टरों की टीम। लता मंगेशकर की देखभाल के लिए अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी। एक निजी चैनल से बात करते डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि लता मंगेशकर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो गया था। 16 जनवरी को किया था अच्छे से दिन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता दीदी ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद 16 जनवरी की रात को पहली बार ठीक तरह से डिनर भी किया। इसके बाद अगले दिन अच्छे से नाश्ता भी किया। 5,000 से ज्यादा गाए गाने लता मंगेशकर ने, 1,000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में गाना गाया है। मिलाकर वो 5,000 से अधिक गानों में अपना आवाज दे चुकी हैं। इतने साल में लता दीदी ने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए अपनी आवाज दी है। पिता के निधन के बाद परिवार को संभाला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता का निधन साल 1942 में हो गया था। बड़ी संतान होने के कारण परिवार का सारा भार लता जी, जिसके बाद लता जी ने पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें बड़ी माँ फिल्म में रोल ऑफर किया, जिसके लिए वो मुंबई आई। इसके साथ ही लता जी ने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखा। लता दीदी ने अपने करियर में कई लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर के संग काम किया है, जिसमें मदन मोहन, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ए आर रहमान शामिल हैं।